कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी जो शॉपिंग है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि ये वो कपड़े हैं जो अभी तक मैंने बैग में नहीं रखे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन के कपड़ों से मैं शुरू करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है मोहम्मद हसन को वाइट शर्ट्स पहनाना। तो मैंने इसके लिए ये दो तरह की वाइट शर्ट्स ली हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और इन दोनों की ही प्राइस जो है वो 50 रियाल्स है, और ये मैंने ली है मैक्स से, और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों ही एक जैसी ही लग रही हैं, मगर मैंने दोनों ही ले ली। और ये जो है ये पिंक शर्ट है, जो कि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है। तो ये भी मैंने मैक्स से ही ली है, और इसकी प्राइस भी 50 रियाल्स है। और ये शर्ट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये शर्ट है, ये भी मैंने मैक्स से ही ली है, और इसकी जो प्राइस है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 रियाल्स है। जी, ये 32 रियाल्स की है। और ये जो शर्ट है ये एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो ये मैंने किसी के लिए ली है। इनकी और जो शॉपिंग है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, वो फिर मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है, और ये भी शर्ट मोहम्मद हसन की है, और ये भी मैंने मैक्स से ही ली है, और इसकी भी प्राइस 50 रियाल्स है। और ये शर्ट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये जो पैंट है ये आई थिंक मैंने 24 से ली है। यस, मैंने ये 24 से ली है, और इसकी जो प्राइस है वो है 55 रियाल्स। जी बिल्कुल, इसकी प्राइस है 55 रियाल्स, और मुझे इस तरह की पैंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये जो एक ट्राउज़र है, पजामा है, ये मैंने घर के लिए लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से खोल के दिखा रही थी। मैं मोहम्मद हसन को घर में इसी तरह के कपड़े पहना रही होती हूँ, और इसकी जो प्राइस थी, इसकी प्राइस मुझे लग रहा है 27 रियाल्स थी। जी, और ये शर्ट जो है ये जस्ट मैंने 15 रियाल्स के लिए है, और ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये शर्ट भी मैंने घर के लिए ही ली है। तो देख सकते हैं आप लोगों के मैं हर चीज़ आप लोगों को खोल खोल कर दिखा रही हूँ। ये जो शर्ट है ये मैंने सेंटर पॉइंट से ली है, और इसकी प्राइस जो थी वो 40 रियाल्स थी। और ये शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, कि मैंने मोहम्मद हसन को पहना के भी चेक की थी, और ये मुझे मिली थी 35 रियाल्स में, 5 रियाल कम में मिली थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ये भी ली। और इसके बाद मैंने वैसे ज़्यादातर शॉपिंग बस यूँ समझ लें कि इस बार सेंटर पॉइंट और मिक्स से ही हो गई। हालांकि मैं ज़्यादातर H&M से या नेक्स से या सेंटर पॉइंट से, तो इस तरह से ही ले रही होती हूँ, या मदर केयर से। तो मगर इस बार मुझे ज़्यादातर कपड़े मैक्स से ही अच्छे लगे हैं। और ये जो शर्ट थी इसकी प्राइस 32 रियाल्स थी, अगर मैं गलत ना हूँ, और वो भी मैंने मैक्स से ही ली थी। ये जो ब्लैक शर्ट आप देख रहे हैं, मैंने मोहम्मद हसन को शायद कभी ब्लैक पहनाया ही नहीं है, तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इसके लिए ब्लैक शर्ट लूँ, टी शर्ट लूँ, ये शर्ट लूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। ये भी मैक्स की ही है, और इसकी प्राइस है 32 रियाल्स। ठीक है, ये है
नाइट सूट, और मैंने कहीं नाइट सूट्स लिए हैं, कुछ मोहम्मद हसन के पास रखे हुए भी थे और कुछ पुराने ही मैं ले जाऊंगी, और इसकी प्राइस है 40 रियाल्स, और ये भी मैंने मैक्स से ही लिया है। इसके बाद ये भी एक नाइट सूट ही है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसकी प्राइस भी 40 रियाल्स है, और ये दोनों ही जो नाइट सूट्स थे ये मैंने ऑफ़र में लिए थे। तो मुझे नहीं पता कि इनकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मगर मुझे ये 40 रियाल्स में मिले थे। और ये भी ब्लैक शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसकी प्राइस जो है वो 37 रियाल्स है, और ये भी मैंने मैक्स से ही लिया है। इसके बाद ये है कि अब जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये भी एक नाइट सूट ही है, और इसकी प्राइस तो सबसे अच्छी है, इसकी प्राइस है 35 रियाल्स, और ये भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 रियाल्स का था, नहीं 45 या 50 रियाल्स का था, और मुझे ये मिला है 35 रियाल्स में, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये जो शर्ट आप लोग देख रहे हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसकी प्राइस जो है वो 37 रियाल्स थी, और ये भी मैंने मैक्स से ही ली है। और इसके बाद ये जो शर्ट देख रहे हैं, ये भी मैंने मैक्स से ही ली है, और इसकी जो प्राइस है वो है 37 रियाल्स, और ये भी ब्लैक शर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस बार आप लोग देख रहे हैं ना कि मैंने कितनी ही सारी मैक्स से शॉपिंग की है। सच्ची में इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कपड़े मैक्स में। ये जो शर्ट है ये सेंटर पॉइंट से ली है, इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जो प्राइस थी वो 65-70 रियाल्स थी, और ये शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और ये शर्ट मैंने मोहम्मद हसन को पहना के भी देखी थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था मेरा बेटू। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद हसन पर वाइट और नेवी ब्लू बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं, और अब तो मैं ब्लैक भी ले आई हूँ, तो ये है कि ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और ये पीछे जो थे ये सॉक्स थे, काफ़ी ही सारे लिए हैं मैंने, क्योंकि मोहम्मद हसन को आदत है सॉक्स पहनने की। और ये जो आप लोगों ने पीछे ट्राउज़र देखा, ये वही ही ट्राउज़र है जो कि मैंने आपको ग्रे कलर का दिखाया है, ये उसी का ब्लैक कलर था। और ये जो पेंट है ये मैंने सेंटर पॉइंट से ली थी, और इसकी जो प्राइस है वो 60 रियाल्स थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी। और ये जो आप जीन्स देख रहे हैं, ये मैंने मैक्स से ही ली थी, और इसकी जो प्राइस थी वो 55 रियाल्स है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, और इसकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी, मुझे ये 55 रियाल्स में मिली थी। और ये एक और नाइट सूट, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, इसकी प्राइस 50 रियाल्स थी या 55 रियाल्स थी, ऐसी ही कुछ का ये सूट था, और ये भी मैंने मैक्स से ही लिया था। इसके बाद ये बहुत प्यारे से शूज, ये भी एक बहुत ही प्यारे बेटू के हैं, जो कि ये भी गिफ्ट है इनकी, जिनके लिए मैं ये लेके जा रही हूँ, इनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। और पीछे एक और सॉक्स थे ग्रे कलर के, और ये मोहम्मद हसन के अंडरवेयर्स, जो कि उसके पास काफ़ी ही सारे हैं, और मैंने ये एक पैक और ले लिया, और इसकी प्राइस थी 25 रियाल्स।
और ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं ये गिफ्ट है, इसकी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। ये जो बैग है ये मैंने अपने लिए लिया है, ये मैंने नहीं लिया, ये मुझे फरमान ने दिलाया है ज़बरदस्ती, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था और फरमान को ये बैग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो उन्होंने मुझे दिलाया। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि मैं पाकिस्तान में जाफरजीज के ही बैग्स लेती हूँ तो मैं इस बार भी वही करूँगी, मगर फिर मैंने कहा आप वो ले लेना, मगर मुझे ये पसंद है तो आप ज़रूर ही इसे लो। तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा कि आप लोगों को यह बैग कैसा लगा, और इसकी प्राइस भी मैं भूल गई हूँ, मगर काफ़ी ही महंगा था यह बैग। ये जो शूज़ है ये भी बहुत ही प्यारे हैं, ये मैंने लिए हैं 24 से, और इसकी जो प्राइस थी वो 60 रियाल्स थी। जी बिल्कुल। और ये जो शर्ट आप देख रहे हैं ये भी मैंने ली है 24 से, और इसकी जो प्राइस थी बल्कि है वो है 55 रियाल्स। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ फरमान की कुछ टी शर्ट्स जो कि इन्होंने ली थी 24 से, और ये सारी ही जो टी शर्ट्स हैं इनकी जो प्राइस है वो 45 रियाल्स, कुछ की प्राइस है कुछ की 55 रियाल्स, कुछ की 60 रियाल्स है। तो इसी तरह से ही है ये सारी ही टी शर्ट्स, और फरमान को टी शर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और इस बार जो कि पहली बार हुआ है फरमान को ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो 24 से अच्छे लगे हैं, तो उन्होंने ये जितनी भी कुछ जो टी शर्ट्स ली हैं वो 24 से ही ली हैं। और ये जो लास्ट टी शर्ट है ये तो मुझे सबसे ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नेवी ब्लू कलर फरमान पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, तो इसकी वजह से। और ये जितनी भी सारी टी शर्ट्स थी इनका जो फैब्रिक था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और प्राइस में भी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अब जो ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं ये मेरी नंद का है, और जैसे मेरा बैग है ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, और इसकी जो प्राइस है और इसको मैं खोल के भी नहीं दिखा सकती क्योंकि ये गिफ्ट है। ये जो शूज़ आप लोग देख रहे हैं फरमान को वाइट कलर के शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो ये जो शूज़ हैं ये फरमान ने मैक्स से लिए हैं, और इनकी प्राइस जो है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी, वरना मैं ज़रूर ही आप लोगों के साथ शेयर करती। ये जो शर्ट है ये फरमान ने मैक्स से ली है, और ये बहुत ही प्यारी शर्ट थी, इसकी जो प्राइस थी वो कुछ 65 रियाल्स थी। उसके बाद ये जो शर्ट है ये भी मैक्स से ही ली थी फरमान ने, और ये शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगी थी, इसकी प्राइस भी कुछ इसी तरह से थी। ये जो सारी ही शर्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारी हमने मैक्स से ली है, काफ़ी ही अच्छी ऑफर में ली है, और इनकी जो प्राइस है कुछ की है 50 रियाल्स, कुछ की है 55 रियाल्स, और कुछ की है 65 रियाल्स, कुछ इसी तरह से है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें काफ़ी ही अच्छे से ये पसंद आ रही थी, इनका जो फैब्रिक था वो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये था कि फरमान को ऑफर्स में बहुत ही कम चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी बात थी।
तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग. आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अपना और अपने बहुत प्यारों का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा. अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा. मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर ही याद रखिएगा. इंशाअल्लाह मिलती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.